म्यूकोरमाइकोसिस फंगस अंगे जी 24 कलाक पर महत्वपूर्ण जानकारी। म्यूकोरमाइकोसिस थी डर नहीं परंतु समझदारी ने समय सर योग्य सलाह इलाज एकमात्र उपाय। म्यूकोरमाइकोसिस ना फंगस सरलताथी अपनी आसपास में उड़ती जोवा मळती होय छे। अत्यार सुधी सामान्य मानवामां आवती आ फंगस कोरोना ने कारण साबित थई रही छे जीवलेण। आ फंगस भेजवाळा वातावरण में हॉस्पिटल में रहेली बेडशीट पर सड़ेला फळो अने शाकभाजी में एसी में तेमज पाणी नी पाइपलाइन तेमज नळ पर सामान्य रीते जोवा मळे छे। परंतु जो कोई सामान्य व्यक्ति नी रोग प्रतिकारक शक्ति सारी होय तो आ फंगस तेने बिल्कुल असर नथी करती। परंतु जे व्यक्ति में रोग प्रतिकारक शक्ति घटी जाए अने जो ते आ फंगस नी चपेट में आवे तो तेवा किस्सा में आ समस्या थई शके छे। रोग प्रतिकारक शक्ति ओछी होय तेवा व्यक्तिए आ फंगस थी खास सावचेत रहेवू हितावह छे। माटी अथवा धूळना सतत संपर्क में रहता जेवा के खेतीकाम गार्डनिंग साथे संकळायेला लोकोए खास सावचेती राखवानी सलाह आपवामां आवी छे। आखी बायना कपड़ा पहेरवा, जूता पहेरवा, माटी के कादवमां काम करता समय ग्लव्स पहेरवा तेमज जो चामड़ी पर घा थाय तो तेने साबु ने पाणी थी धोवू हितावह होवानुं तबीबो कही रह्या छे। कोरोना ने जमज म्यूकोरमाइकोसिस फंगस थी पण मास्क पहेरवू ए एज एकमात्र बचवानो सरल उपाय छे। कोरोना थयो होय अने कोरोना ने मात आपी होय तेवा व्यक्तिए खास सावचेती राखवा तबीबो द्वारा सलाह अपाई छे। जे दर्दीओ कोरोना नी सारवार दरमियान आईसीयू वेंटिलेटर सपोर्ट पर सारवार लीधी होय तेमज स्टीरोइड ना इंजेक्शन तेमज दवाओ लीधी होय तेमणे सावचेतीना भागरूपे मास्क पहेरवू हितावह छे। म्यूकोरमाइकोसिस फंगस एक माथी बीजी व्यक्ति में नहीं फैलातो परंतु मास्क थी आ फंगस ना शिकार बनवाथी बची शकाय छे। अवे आना थवाना कारण जे म्यूकोमाइकोसिस छे ये सामान्य रीते दरेक जग्याए आ फंगस ना जे होय छे ये उड़तू होय छे अने ए तमारा सॉइल मां होय जे कोवायला शाकभाजी ना डस्ट कचरो होय एमां पण होय शके छे। अने एक स्टडी में एवुं आव्युं छे के ए लोकोए ज्यारे रिसर्च करता था त्यारे जे लीनन बेडशीट ने एवुं हॉस्पिटल में यूज थतुं होय एनुं कल्चर करवामां आव्युं तो ए कल्चरमांथी पण बीजा कंट्री में आ म्यूकोमाइकोसिस नी फंगस जे आपणने मळेली छे डिटेक्ट थई छे। ज्यारे तमे कोरोनामांथी साजा थईने घरे जाओ छो तमने डायाबिटीस छे, डायाबिटीस कंट्रोल छे के नथी पण तमारे सावधानी आ इन्फेक्शन माटे राखवी जरूरी छे। कारण के कोरोना ना लीधे इम्युनिटी डाउन थई जशे, डायाबिटीस हशे तो आ प्रकारनुं इन्फेक्शन झड़पी लागशे। तमने सारवार साजा करवा माटे कोरोनामांथी जे ते डॉक्टरे समय सूचकता वापरी अने तमने योग्य हशे ने स्टीरोइड आप्या हशे एना लीधे पण आ केसीस वधवानी शक्यताओ होय छे। माटे दर्दीए क्यारेय पण एने छातीमां तकलीफ थती होय, दुखावो थाय, खांसी आवे, ताव आवे वधारे प्रमाणमां तो डॉक्टरने कंसल्ट करवा जोईए इमिजिएटली भले कोरोना नेगेटिव थई गया हो छतां पण। बीजी वस्तु ए छे કે કોઈ દર્દીને આંખમાં દુખાવો થાય, માથું દુખે, સાઇનસમાં દુખાવો થાય અને નાકની ઉપરની ચામડી છે કાળી પડતી હોય એવું લાગતું હોય તો પણ એણે ઇમિડિયેટલી એના ફિઝિશિયનને કન્સલ્ટ કરવા જોઈએ, ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટને, આંખના ડૉક્ટર અને કાનના ગળાના ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરી એની યોગ્ય તપાસ કરી ઝડપીમાં ઝડપી સારવાર લેવી જરૂરી છે। નોર્મલ લોકો માટે ખતરનાક નથી હોતું પરંતુ આ હવામાં ફરતી ફંગસ છે, એસીના ડક્ટ છે, પ્લમ્બિંગની લાઈન લીકેજ લાઈનો છે, ભેજવાળું વાતાવરણ છે, ખરાબ થઈ ગયેલા ફ્રૂટ ને વેજીટેબલ છે, એમાં ફંગસ નોર્મલી હોય જ છે। નોર્મલ માણસોને ક્યારેય આ ફંગસથી ઇન્ફેક્શન નોર્મલી થતું નથી કારણ કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિથી એ બચી જતા હોય છે, પણ જ્યારે તમારી ઇમ્યુનિટી લો થઈ જાય ત્યારે એ ચોક્કસથી લાગી શકે અને એ ખૂબ ખતરનાક છે।